इसमें अति प्यारे फादर होते हुए उपस्थित सभी फादरगण, धर्म बहने, ब्रदर्स, फिर विश्वासी माता पिता, भाई बहने और बच्चों, आज आनंदपुर के लिए विशेष दिन है और विशेषकर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट फादर गॉडफ्रे मिंस के लिए। ये वे अपने ही स्थान में, अपने ही गोदान में ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। ईश्वर की महती कृपा के लिए अपना पहला धन्यवादी मिशा चढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए विशेष दिन है। आज इस दिन में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उनके साथ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो मैं इस अवसर पर दिल्ली की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई और बहनों, आज मैं इस पावन बेला में आप सबों का मेरे धन्यवादी प्रस्तियात में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का निवेदन मैं विशेषकर स्वर्गीय प्रचारक जूनस और स्वर्गीय प्रचारक जूलियस लकड़ा, इनकी आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना चढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं दो प्रचारकों के द्वारा ही हमारे आनंदपुर में हमारी कैथोलिक कलीसिया फली है, बढ़ी है, फूली है। आज मैं इनको विशेष धन्यवाद देता हूँ और इनके आत्माओं के लिए भी मैं प्रार्थना चढ़ाता हूँ। आज का यह पावन दिन केवल मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आनंद और ईश्वर को धन्यवाद देने का विषय नहीं है, फिर भी यहाँ उपस्थित सबों के लिए और मेरे आनंदपुर के सभी विश्वासियों के लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है। आज जब हम यहाँ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हैं, उन सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग, मार्गदर्शन, प्रेरणा, उत्साहन एवं प्रार्थना द्वारा आज मैं ईश्वर के बलि वेदी तक पहुंच पाया हूँ। मैं आज की इस पवित्र मिशा में अपने माता पिता, भाई बहनों, परिवारजनों, दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों के लिए और आनंदपुर चाय बगान के सभी प्रेज भाई बहनों के लिए या मिशा बलिदान चढ़ाता हूँ। आज मैं इस पवित्र मिशा में मेरे धर्म पिता, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास का बीज बोया, स्वर्गीय फिल्मोन मिंच, मेरे दादाजी जोहन मिंच, दादी सिलसिलिया मिंच, फिलोमिना बड़ी मम्मी और सभी अल्तिज्ञा, मेरे नाना फादर तेज कुमार, मेरे नाना जोसेफ तिज्ञा और जितने भी मेरे परिवार से इस धरा से गुजर गए हैं, मैं उन सब के लिए आज यह मिशा बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि ताकि ईश्वर उनकी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे। आज के शुभ दिन में मैं अपने सभी उपकारकों, विभिन्न गुरुकुल के गुरु आचार्यों, गुरुजनों, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, मेरे भाई भैया भाभियों, दीदी जीजू चाचा चाची, बड़ी मम्मी, बड़े पिताजी, बहन दामाद, रिश्तेदार, आनंदपुर के प्रत्येक परिवार के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पिता ईश्वर आप सब हमको सुस्वस्थ रखे, सभी प्रकार के दुख बीमारी से वंचित रखे, आपके रोज के दिन के कार्यों पर ईश्वर की आशीष बनी रहे, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहे। ईश्वरीय प्रज्ञा, बाल बच्चे ईश्वरीय प्रज्ञा और विवेक से बढ़ते जाएं, फलते फूलते जाएं, आप सभी स्वस्थ रहें, एक दूसरे को सहयोग दें,
एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। आज मैं विशेषकर अपने लिए ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहता हूँ। विशेषकर मेरे गुलाहटीय जीवन के लिए ईश्वर, हर दुख तकलीफ में ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे आज इस पावन मेला में पवित्र बलि वेदी तक पहुंचने में मुझे सहायता प्रदान किए हैं। आज मैं विशेष करूं फादर गणों और सिस्टर गणों के लिए या मिसा बलिदान अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही हद से ज़्यादा सहायता प्रदान किए हैं। श्रदे फादर इग्नासियस सोरेन, श्रदे फादर लॉरेंस साइमन, श्रदे फादर सिल्वेस्टर मिंज, श्रदे फादर आइजक कुजूर और सिस्टर सुमन टुप्पो, सिस्टर अंजेला तिग्या, सिस्टर अनीता, सिस्टर प्रतिमा, इन्होंने मेरे लिए हर रास्तों पर इन्होंने मुझे सहायता प्रदान किए हैं। ईश्वर इन पर विशेष आशीष और कृपा बनाए रखे, उन्हें सुस्वस्थ रखे, उनके कार्यों पर विशेष आशीष और कृपा प्रदान करे। इन सबों के लिए मैं विशेष प्रार्थना चढ़ाना चाहता हूँ और आज मैं विशेषकर जिन्होंने मुझे इसी गिरजाघर में अक्षर ज्ञान पढ़ाया, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। विशेषकर संता कुलसो तियानी, इन्होंने मुझे इन्हीं किसी गिरजाघर में अक्षर ज्ञान पढ़ाया है, मैं उनके लिए भी, उनके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाता हूँ। आइए तब इन्हीं सब मतलबों के साथ हम खड़े हो जाएं और मिसा बलिदान शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आइए अभी हम सभी जितने भी निवेदन चढ़ाए हैं और हम सभी सबों के जितने भी निवेदन हैं, प्रार्थनाएं हैं, हम सभी ईश्वर के पास मन ही मन चढ़ाएं और हम ईश्वर से विशेष क्षमा और याचना मांगते हैं कि जब कभी भी हम उनसे दूर भटक गए, पाप गुनाह किए, दोष किए, उन सभी पाप गुनाह दोषों के लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से घोर पाप किया है। इसीलिए से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
Thank you.
हे ईश्वर, तू चाहता है कि मैं अपने पुण्या के प्रताप से नहीं बल्कि तेरी अपूर्व दया और उदारता से तेरी प्रजा का संचलन करूं। मुझ पर कृपा कर कि मैं अपने पुरोहिताई का कर्तव्य समुचित रीति से निभाऊं और तेरी प्रजा का पथ प्रदर्शन करूं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामिल प्रभु के मंदिर में जहां ईश्वर की मंजूसा रखी हुई थी सो रहा था। प्रभु ने सामिल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास उतार कर कहा, आपने मुझे बुलाया है इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठ कर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ, यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बायर्शेबा तक समस्त इसराइल यह जान गया कि सामुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। Thank you.
उनके मरने के बाद हमने उन्हें देखा है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिससे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह एपस को और बाद में बाहरों को दिखाई दिए, फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए, उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं। अध्याय 4 पद संख्याएं 18 से 22। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाते हैं और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और को भाइयों को देखा। जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल
मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे होने। यह प्रभु का सुसमाचार है। सहायक पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर नवीन टेटे और यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। मैं आज का उपदेश एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ और वह कहानी एक लड़का की है जो स्वभाव से बहुत ही विनम्र, ईमानदार, आज्ञाकारी था। हरदम वह लड़का अपने माता पिताओं के आज्ञाओं पर चलता रहा। जब लड़का को उसकी माँ काम पर लेके जाती थी, इसीलिए लेकर के जाती थी क्योंकि उसका बेटा उसके छोटी बहन को देख रेख करे जब उसकी माँ काम कर रही है। तब लड़का का पढ़ने की उम्र था, बहुत माताएं बोलती थी लड़का की माता को कि लड़का इतना बड़ा हो जा रहा है, आप उसे क्यों स्कूल नहीं भेजती है। किसी तरह उसकी माँ लोगों की बातें सुन सुनकर बाद में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उसकी माँ पिताजी उसके बेटे को स्कूल पढ़ाएं। स्कूल एडमिशन के लिए गए, स्कूल में एडमिशन तो हुआ पर एक एग्रीमेंट के द्वारा एक संधि बनाई उन्होंने, यह कहकर कि प्रत्येक महीना हम लोग फीस देने नहीं सकेंगे, जब कभी भी बरस में एक बार बोनस मिलता है तो हम लोग उसे एक ही बार बच्चों के फीस के लिए जमा कर देंगे। लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था, क्लास LKG से लेकर छठवीं तक तो वह हरदम सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आता था और वह क्लास आठवीं तक पढ़ने तक भी वह कभी सिलाया हुआ पैंट को नहीं पहना। उसके मम्मी पापा हरदम उनके लिए रेडीमेड कपड़ा ही खरीद देते थे जो कि अनफिट रहता था, जब हम सिला कर पहनते हैं तो वह फिट रहता है, परंतु स्कूल यूनिफॉर्म को हरदम वह लड़का क्लास आठवीं तक रेडीमेड को ही पहनकर स्कूल पढ़ा। वह उनकी माँ रविवार को उसके सबसे छोटी बहन को छोड़कर चली जाती थी या क्या करती, वह आराम से काम कर सकेगी, उसका भाई अभी संडे है छुट्टी है, वह अपनी बहन को देख रेख करेगा। लड़का ईमानदार था, वह हमेशा बच्ची का देख रेख किया, घर का जितना भी काम काज स्कूल से आने के बाद में वह जितना भी बर्तन साफ करता, खाना बनाता, उनके मम्मी पिता के आने तक वह सब चीज तैयार करके रखता था।
और परिवार बड़ा होने के कारण वह लड़का के माता पिता यहां वहां से चावल आटा खरीद करके लाते थे कम दामों में। जब और वह खेलने कूदने में बहुत ही खेलने कूदना उनका तो था ही नहीं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद में वह घर के कामों को करता, खाना बनाता और उनके माता पिता का आने का इंतजार करता। उसी तरह वह किसी तरह पढ़ते लिखते गया, नवीं दसवीं पढ़ा। मैं Thank you.
चढ़ भूखे भूत की।
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तू दीन और रीतियों का शक्तिशाली और दयालु शासक है, तेरी कृपा द्वारा मिली परिचर्या पर दया दृष्टि डाल। इस भेंट के प्रभाव से अपनी प्रजा और पुरोहितों के हृदयों में ऐसी भावना जगा दे कि तेरे रेवर अपने गरीबे की आज्ञा मानने में और गरीबिया अपने रेवर की देखभाल करने में सदा तत्पर रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। परम पवित्र पिता, या वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि सब, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्ग दूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम तेरी महिमा का बखान करते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन खारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम
दिया मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीनरण व्यवस्था कर जो तुम्हारे पवन की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में प्रभु यीशु क्रिस्त के महिमा हो, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, यह है हमारे विश्वास का इसलिए हे प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सियाचकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलिस के इस भीले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु आज हमारे फादर गॉडफ्री के परिवार के सभी ख्रिस्तीय व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनकी उनकी शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह ऐसा वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। से प्रार्थना करते हैं, हमें सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रूस पर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता
और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप और लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। फादर गॉडफ्री के माता पिता और रिश्तेदारों के लिए फादर गॉडफ्री सामने में सब प्रसाद देंगे, वितरण करेंगे, और अन्य लोगों के लिए अन्य जगहों में और याद करेंगे।
प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंती ईश्वर, तू सब सद्गुणों का स्रोत और पूर्णता है, इस संस्कार द्वारा मैं सदा सत्कर्मों में लगा रहूं और सत्य का प्रचार करूं, ताकि मैं अपने वचन तथा कर्म से विश्वासियों के लिए तेरी कृपा का भंडार खोल सकूं। या विनय सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सारी संतवाना का ईश्वर आप लोगों पर आशीष बरसाए, ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ कर दे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंद पूर्वक आनंद जीवन में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सब पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग भी दाले या मिसा संपन्न हुआ ईश्वर को धन्यवाद। अभी मिसा के तुरंत बाद सभी पुरोहितगण, धर्म बहने और सभी विश्वासी बैठे रहेंगे। Thank you.
नमस्ते सतिते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैततत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्राह्मणे व्यापिणे शाश्वताय। हे विधाता तू जग का पालनहार, तूने रचा ये सुंदर संसार, करते हम आज ये प्रार्थना, हमको दे दे बुद्धि प्रेरणा, तेरी आशीष पाकर हम तेरी इच्छा को पूरी करें। साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शक्ति चेतना तेरी की पापा कर हम प्रेम भावना बनाए रखे, शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्ते, शत्रु बुद्धि विनाशा का पालनहार, तूने रचा ये सुंदर संसार, हे विधाता तू जग का पालनहार, तूने रचा ये सुंदर संसार, करते हम आज ये प्रार्थना, हमको दे दे बुद्धि प्रेरणा, तेरी आशीष पाकर हम को पूरी करे। हे विधाता तू जग का पालनहार, तूने रचा ये सुंदर संसार,